हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी डोरेमोन के बारे में तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। दोस्तों अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि डोरेमोन एक कार्टून सीरीज है जो कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों इस कार्टून को बच्चे बड़े यहाँ तक कि सभी उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो डोरेमोन है वो अपने दोस्त नोबिता को 21वीं सदी के तरह तरह के गैजेट्स देकर उसकी मदद करता है, जिसको देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको डोरेमोन कार्टून के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डोरेमोन का नाम दो अलग अलग जापानी शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, डोरा और इमोन, जिसका मतलब है एक आवारा बिल्ला। दोस्तों डोरेमोन भविष्य से आया हुआ एक रोबोट बिल्ला है, जिसको नोबिता के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन सेवाशी नोबी ने नोबिता की मदद के लिए पास्ट में भेजा था। दोस्तों डोरेमोन को 22वीं सदी में मत्सुशिवा रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के वजह से उसे रोबो स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसे बाद में सेवाशी ने पसंद करके नोबिता की मदद के लिए भेज दिया था। दोस्तों डोरेमोन का रंग पहले पीला था, पर एक दिन डोरेमोन सो रहा था तब उसके कान को एक चूहे ने काट दिया, जिससे उसके कान नहीं रहे, जिससे वो बहुत डिप्रेस हो गया, जिसकी वजह से उसका पीला रंग नीला हो गया और कान नहीं होने की वजह से उसकी पहली गर्लफ्रेंड नोरा मियाको ने उससे दोस्ती तोड़ दी थी और उसके बाद उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बनी, जिसका नाम मी चेन है। दोस्तों नोबिता भविष्य में रोबोटिक्स प्रोफेसर बनेगा और उसकी शादी सिजुका से ही होगी। दोस्तों जियान का असली नाम तकेशी गोडा है, जो कि भविष्य में एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन बनेगा। दोस्तों डेकी सुगी भविष्य में एक एस्ट्रोनॉट बनेगा और उसकी शादी नो सुमा नाम की एक लड़की से होगी और डेकी सुगी के बच्चे का नाम हाइडियो डेकी सुगी होगा। दोस्तों सुनियो का पूरा नाम सुनियो होनेकावा है और वो भविष्य में होनेकावा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा। दोस्तों डोरेमोन की प्रसिद्धि को देखते हुए जापान ने कावासाकी क्षेत्र में 3 सितंबर 2011 को फुजिको एफ फुजियो नाम से म्यूजियम खोला गया था, जहां डोरेमोन से जुड़े ऐसे ऐसे आकर्षण हैं जो डोरेमोन के प्रशंसकों को यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों डोरेमोन को जितने देशों में पसंद किया जाता है उससे कई ज़्यादा देशों में डोरेमोन सीरीज से नफरत किया जाता है। दोस्तों दुनिया में 50 से ज़्यादा देशों में डोरेमोन को बैन कर दिया है और कुछ देश तो अब डोरेमोन सीरीज को बैन करने वाले हैं, और दोस्तों हो सकता है ये भारत में भी बंद हो जाए। दोस्तों डोरेमोन सीरीज में जो नोबिता है वह बहुत आलसी कैरेक्टर है, वह खुद कुछ नहीं करता, हमेशा डोरेमोन के सहारे रहता है, जिससे डोरेमोन देखने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, जिस वजह से दोस्तों डोरेमोन भारत में भी बंद हो सकता है। दोस्तों 2008 में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए डोरेमोन को जापान की विदेशी मिनिस्ट्री ने पहला इनाम एम्बेसडर चुना था। दोस्तों डोरेमोन चूहों से हमेशा नहीं डरता था, जब से चूहे ने उसके कान को काटा था तब से डोरेमोन चूहों से डरने लगा है। दोस्तों डोरेमोन की बहन डोरामी जो है वह डोरेमोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो भविष्य की बहुत ही एडवांस रोबोट है। तो दोस्तों ये थे डोरेमोन से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य जो मुझे लगा आप सभी को ज़रूर बताने चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डोरेमोन से जुड़े तथ्य पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।